सभी को नमस्ते। मैं हूं नीलम और मेरी किचन शाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पुलाव और कुकर में बनाने वाले हैं हम बिल्कुल खिला खिला वेज पुलाव। तो चलिए बनाते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास बासमती चावल लिए हैं। पुलाव के लिए चावल का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से हम बाद में पानी डालते हैं। पुलाव में डालने के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, आलू, मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न। 1 प्याज मैंने काट लिया है और ये 2 हरी मिर्च ली हैं, बारीक बारीक काट ली हैं, और 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 तेज पत्ता है, ये छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, और 8 से 10 काली मिर्च हैं, 5 लौंग हैं और 2 इलायची हैं जो मैंने तोड़ ली हैं। इसके साथ ही आप बड़ी इलायची, जावित्री, जो भी आपके पास खड़े मसाले हों ले सकते हैं। सबसे पहले हम चावलों को एक बड़े बोल में डालकर धो लेंगे। उसके बाद चावलों में हम पानी डाल के रख देंगे, 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह से धो के मैंने पानी डाल के रख दिया है। अब अगले प्रोसेस में चलते हैं। पुलाव बनाने के लिए कुकर ले लिया है। कुकर के गर्म होने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। कुकर को मैंने अभी अभी धोया था इसलिए इससे भाप आ रही है। ये घी हम डाल देंगे। 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन पुलाव अगर घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। घी गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे। ये मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरे को तड़कने देंगे। अब डाल देंगे इसमें ये खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी और ये लौंग, इलायची, सारी चीज़ हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इनका सारा फ्लेवर घी में आ जाए। करीब आधी मिनट मैंने इनको पका लिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का पिंक होने तक पका लेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगेगा। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें सब्जियां डाल लेंगे। सब्जियों में मैंने आलू डाल दिए हैं, गाजर, मिक्स कर देते हैं। सब्जियां आप अपनी मनपसंद डाल लीजिए। मटर डाल देंगे और ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे। एक बार सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही ये जो मैंने 2 हरी मिर्च काट के रखी थी ये भी डाल देंगे। पुलाव में आप चाहें तो पनीर, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने जानबूझकर वही सब्जियां ली हैं जो हमारे सबके घरों में होती हैं। सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी पहले ही सॉफ्ट हो जाएं। देखिए सब्जियां हमारी पहले से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल से मैंने पानी निकाल दिया है। चावलों को भी हम सब्जियों के साथ 1 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। इससे चावल अच्छे टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लें। मैं यहाँ आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक मैंने डाला है। पुलाव में नमक आप पहले ही परफेक्ट क्वांटिटी में डालें क्योंकि अगर नमक कम रह गया तो बाद में नहीं मिला पाते पुलाव में हम। चावलों को मैंने तकरीबन 1 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये 1 गिलास पानी है और ये आधा गिलास पानी है। चावल भी मैंने इसी गिलास से नापे थे। 1 गिलास चावल में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। सारी चीज़ों को मिला लेंगे और लास्ट में हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से पुलाव हमारा बहुत टेस्टी बनेगा और चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। सारी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगा कर हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे।
स्टीम रिलीज होने के बाद जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम कुकर को खोल लेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए पुलाव हमारा बन चुका है। एक फोक की हेल्प से या स्पून की हेल्प से चावलों को थोड़ा अलट पलट लेंगे। कुकर को हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे क्योंकि चावल अभी बहुत सॉफ्ट हैं। अगर अभी सर्व करेंगे तो चावल हमारे टूट सकते हैं। 2-3 मिनट बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चावल सर्व कर लेंगे। इसमें जो तेज पत्ता है ये भी हम निकाल देंगे। अब हम चावलों को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल मजेदार चावल, बिल्कुल खिला खिला पुलाव हमारा बना। देखिए ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया पुलाव बनके हमारा तैयार हुआ है। आप भी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका पुलाव कैसा बना और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।